इस वीडियो में मैं आपको अपनी पिक्चर्स से एक वीडियो बनाना सिखाऊंगी, जैसे कि ये एक वीडियो है। ये वीडियो मैंने अपने मोबाइल से बनाया है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो नमस्ते, मेरा नाम एकता है। अगर आपको अपने किसी दोस्त को उनके बर्थडे या जन्मदिन पर विश करना है तो आप अपने ही अलग अंदाज में उन्हें वीडियो से विश कर सकते हैं और आपका बधाई संदेश बहुत ही यादगार रहेगा। अगर आप कहीं छुट्टियों में बाहर गए तो सारी फोटोज को पोस्ट करने के बजाय आप उनका एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी छुट्टियों की मेमोरीज या यादें एक मज़ेदार तरीके में शेयर कर सकते हैं। अपने परिवार की और बढ़ते बच्चों की फ़ोटोज़ को आप मज़ेदार वीडियोस में कन्वर्ट करके अपनी एल्बम्स बना सकते हैं और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ समय बिताया हो तो इतनी फोटोज और सेल्फीज इकट्ठी हो जाती हैं, आप उनके वीडियोस बना करके फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आजकल तो कई माँ बाप अपने बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी वीडियो का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और फोटोज के बजाय इंटरैक्टिव रोमांचक वीडियो सबमिट करना पसंद करते हैं। आजकल तो फेसबुक की प्रोफाइल में भी वीडियो लगाए जा सकते हैं। आप इस ऐप से 6 सेकंड के वीडियो बना करके अपनी फेसबुक प्रोफाइल को भी एनिमेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने अपने इस आईडी में एक वीडियो लगाया है जो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का है और देखिए कि ये लूप में प्ले हो रहा है। अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, जैसे कि कोई ट्रैवल का चैनल या कुकिंग का चैनल, तो आप अपने वीडियो सीधे अपने फ़ोन से बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। बातें बहुत हो गई, इस वीडियो में हम एक ऐप को यूज़ करना सीखेंगे जिसका नाम है वीवा वीडियो। इसका एक मुफ्त वर्जन है और एक पेड वर्जन भी है जिसका दाम लगभग $5 या ₹350 है। इस वीडियो में मैं मुफ्त वर्जन को यूज करके वीडियो बनाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। ये वीवा वीडियो की ऐप है जिसे मैंने अपने फोन पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहें तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं सैमसंग नोट 4 का इस्तेमाल करने वाली हूँ जो एक एंड्रॉयड फोन है। चलिए वीवा वीडियो पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। ये वीवा वीडियो खुल गया। अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो आप कैप्चर पर क्लिक करके अपने कैमरा से कोई भी फोटो इस समय खींच सकते हैं और फिर उसे एडिट करके वीडियो बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पहले से आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि अक्सर हमें व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ आती हैं या फिर हमारी इमेज गैलरी में फ़ोटोज़ होती हैं, तो आप उन सब का इस्तेमाल करके भी एक स्लाइड शो बना सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड शो बनाना सिखा लेती हूँ। ये है स्लाइड शो, यहाँ पर मैं क्लिक कर लेती हूँ और ये देखिए ये एक नई स्क्रीन खुल गई। यहाँ पर वो आपको इमेजेस सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए हम कोई इमेजेस सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं पहले से एक फोल्डर बना चुकी हूँ। अब मैं इस फोल्डर में जा करके और यहाँ से फोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए ये रहा फोल्डर फॉर वीडियो, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये वो सारी फोटोज हैं जो मैंने बाली में खींची थी जब हम बाली में छुट्टी पर गए थे, तो मैं इन फोटोज का एक सुंदर सा वीडियो बना लेती हूँ। चलिए पहले तो
फर्स्ट स्क्रीन के बारे में सोचते हैं, ये है कीप काम एंड गो टू बाली। ये अब हमारी पहली फोटो हो गई। और अब मैं जो है चाहती हूँ कि ये वाली जो फोटो है ये आखिर में हो, लेकिन बीच में इन फोटोज को डालूंगी। चलिए अब कोई और फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हुआ, फिर एक और, ये तीसरी फोटो हो गई, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। एक्चुअली ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। और ये भी काफ़ी सिमिलर है। एक और सिलेक्ट कर लेती हूँ, फिर ये हुआ, ये और अंत में ये एक सिलेक्ट किया और ये। तो अब हमारी 16 इमेजेस जो हैं, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, ये सब की सब 16 इमेजेस आ गई। अब हम डन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, ये अपने आप से इसने, पॉज कर देती हूँ, ये अपने आप से इसने पहला वाला जो थीम है लेजर वो सिलेक्ट कर लिया। अब थीम का क्या मतलब, देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे स्लाइड करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर पहले से बनी हुई थीम्स हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने वीडियो में ये वाली थीम यूज़ करी थी जो थी स्पार्क, लेकिन अब मैं कोई और यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि आई एम हियर। अब ये थीम अप्लाई हो गई, इसको मैं पॉज कर देती हूँ। अब ये स्लाइड शो बने इससे पहले हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, हम इसका म्यूज़िक बदल सकते हैं, ये कितना लंबा हो, इसमें क्या टेक्स्ट हो, ये सब चेंजेस हम अब इस समय कर सकते हैं। तो ये जो थीम है आई एम हियर, ये तो हमने चुन ली। अब आते हैं ड्यूरेशन पर। ड्यूरेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर फोटो कितने सेकेंड्स तक दिखे। यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से यहाँ पर 3 सेकेंड है। आप चाहें तो आप इसे स्लाइड करके कम या इस तरह से स्लाइड करके आप इसकी ड्यूरेशन या इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 सेकेंड बहुत है, इसलिए क्योंकि मेरे पास 16 इमेजेस हैं। अगर मैं बहुत लंबा करूँगी तो इतना लंबा वीडियो जो है थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो 3 सेकेंड देखने के लिए भी ठीक है और उसमें जो है फटाफट से स्लाइड शो चलेगा। तो ये तो थी ड्यूरेशन। अब आते हैं एडिट पर। एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ नीचे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आ गई हैं। आप अपने वीडियो में ये सब चीज़ें डाल करके उसे और भी ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं, उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए क्लिप एडिट को हम बाद में सीखेंगे, पहले हम आते हैं टेक्स्ट पर। तो ये देखिए, ये है टेक्स्ट, टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ये नीचे जो है आपको एक टाइमलाइन दिखेगी। यहाँ पर आपकी सारी की सारी इमेजेस हैं, ये देखिए ये सारी इमेजेस हैं और आप चाहें तो आप इनमें से एक या एक से अधिक पर भी अपनी टेक्स्ट जो है वो डाल सकते हैं। चलिए हम ऐड पर क्लिक कर लेते हैं। ये जैसे ही हमने ऐड पर क्लिक किया, यहाँ पर ऊपर जो है ये एक स्लाइडर खुल गया, ये नीचे की ट्रे खुल गई और यहाँ पर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर कॉल आउट्स हैं, अगर आपको ये पसंद हो तो आप इनमें से कोई चुन सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, आप चाहें तो आप फॉन्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो पहले से डाउनलोडेड है आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट को ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये है यहाँ पर रंग, आप टेक्स्ट का कलर चुन सकते हैं और ये है टेक्स्ट की एनिमेशन, क्या आपको टेक्स्ट एनिमेटेड चाहिए। तो हम इसको पहले कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्लासिक है, ये सब क्लासिक की ऑप्शंस हैं और है क्यूट। हम क्यूट में यहाँ पर ये वाला कॉल आउट सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम इधर इस तरह से डाल देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक किया और ये जो टेक्स्ट है इसे हम एडिट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रिप टू, एंटर और यहाँ पर लिख दिया बाली।
और ओके पर क्लिक कर दिया तो ये जो कॉल आउट है वो अब हमारे पिक्चर्स पर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पहले टिक पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ऊपर आ रहा है। इसको मैं पहले पॉज कर देती हूँ। अब आप कितनी देर तक चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो, ये देखिए ये जो ऑरेंज है कलर, इससे आपको पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट कहाँ से लेकर के कहाँ तक डिस्प्ले हो। अगर आप इसे थोड़ा ही डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इसे बीच में रोक सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे के पूरे स्ट्रिप पर प्ले हो तो आप इसे इस तरह से घसीट करके और पूरा का पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और अब मैं टिक पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये जो कॉल आउट है अब ये हर जगह पर डिस्प्ले होना चाहिए। अब मैं ये टिक मार्क पर क्लिक कर देती हूँ तो ये कॉल आउट जो है टेक्स्ट ये अब अप्लाई हो गया। आप चाहें तो आप बीच बीच में से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए इसको मैं फ़िलहाल पॉज कर देती हूँ। फिर आए एफएक्स पर, एफएक्स पर क्लिक किया। यहाँ पर आप कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। अगर आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई आपको स्पेशल एनिमेटेड स्टिकर्स दिख रहे हैं। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, LOL और लव। मैं ये वाला फ़िलहाल सिलेक्ट कर लेती हूँ। टिक पर क्लिक करना मत भूलिए। और इसकी जो ड्यूरेशन है मैं सिर्फ थोड़ी ही रखने वाली हूँ, मैं इसको पूरा का पूरा एक्सटेंड नहीं करने वाली। इसको मैंने थोड़ी ही देर के लिए रखा है और फिर यहाँ ऊपर टिक पर क्लिक कर दिया। नीचे और देखिए ये है स्टिकर, आप चाहें तो आप यहाँ पर स्टिकर्स डाल सकते हैं। चलिए बीच में कहीं जाते हैं और कहीं पर स्टिकर लगा लेते हैं, जैसे कि ये अच्छा है। यहाँ पर हम कोई स्टिकर लगा लेते हैं। ऐड पर क्लिक किया और इधर कोई अच्छा सा स्टिकर चुन लेती हूँ, जैसे कि ये एक स्टिकर है, इसको हम इधर लगा लेते हैं और ऊपर टिक के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये ठीक ही लग रहा है। अब ऊपर यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दिया। आप चाहें तो आप एक से ज़्यादा स्टिकर्स भी लगा सकते हैं। कोई स्टिकर चुन लेते हैं, जैसे कि ये स्टिकर आ गया और इधर हमने टिक कर लिया। एक आध स्टिकर और डाल देती हूँ, जैसे कि ये। और टिक पर क्लिक कर दिया तो ये स्टिकर भी ऐड हो गया। फिर आए यहाँ पर थोड़ी और चीज़ें समझ लेते हैं। ये है मल्टी म्यूज़िक। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अलग अलग तरह के म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं म्यूज़िक नहीं ऐड करने वाली, इसे मैं बंद कर देती हूँ। फिर आए साउंड पर। आप चाहें तो आप यहाँ पर माइक पर क्लिक करके कुछ भी बोल सकते हैं और आपकी जो आवाज़ है आपके फ़ोन के माइक में से रिकॉर्ड होकर यहाँ पर आ जाएगी, या फिर आप यहाँ पर साउंड इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करके अपने फ़ोन की जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम बंद कर देते हैं और इधर भी मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अब वापस आए और यहाँ पर है फिल्टर्स। आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी अलग अलग तरह के फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके फ़िल्टर्स जो हैं उन फ़ोटोज़ पर अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट चुन लेती हूँ और इस फ़ोटो में और नीचे गए और आखिरी फ़ोटो में आई थिंक मल्टीपल फ़ोटोज़ को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको एक एक करके इन फ़ोटोज़ को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर ये इफ़ेक्ट लगा लेती हूँ
और इधर मैंने क्लिक किया। उसके बाद वापस फिल्टर पर गए और ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट करके और डस्क का इफ़ेक्ट लगा लेते हैं। तो ये ऐसे डस्क का इफ़ेक्ट आ गया और इधर ऊपर टिक पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे कुछ फिल्टर्स यहाँ पर अप्लाई हो गए और फिर इसे दोबारा स्लाइड करके यहाँ पर जो है हम ट्रांजिशन डाल देते हैं। अब ट्रांजिशन क्या होता है, देखिए ये एक्चुअली एक स्लाइड शो है जिसे वीडियो फॉर्म में बनाया गया है, यानी कि ये अलग अलग फ़ोटोज़ जब एक से दूसरे में ट्रांजिशन होती हैं या एक से दूसरी फ़ोटो आती है तो वो जो इफ़ेक्ट है इन दोनों के बीच में बदलाव का वो कैसा हो, वो ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप किसी एक जगह पर ट्रांजिशन लगा सकते हैं या फिर आप अलग अलग फ़ोटोज़ के बाद भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांजिशंस मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक फ़ोटो सिर्फ 3 सेकंड के लिए दिख रही है और अगर बहुत ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, थोड़ा प्लीजिंग नहीं होता। इसलिए या तो एक ही इफ़ेक्ट लगाइए या फिर जैसे हमारे 16 पिक्चर्स हैं तो मैं 8 में एक इफ़ेक्ट लगा सकती हूँ और दूसरे में जो बाकी की 8 हैं उनमें एक इफ़ेक्ट लगा सकती हूँ। जैसे कि अब ये है मैजिक, तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आपको जो इफ़ेक्ट पसंद हो आप वो लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे कि हैप्पी या ये एक और है, इसमें इस तरह से बीच का एनिमेशन आता है, या ये सिंपल है जिसमें कि सिर्फ स्लाइड होती हैं इमेजेस, या फिर डिसॉल्व। तो जो आपको पसंद हो वो वाला ट्रांजिशन आप अपनी फ़ोटोज़ के बीच में लगा सकते हैं, या फिर ये है डायनामिक। मुझे ये डायनामिक एक्चुअली काफ़ी पसंद आता है और मैंने कई फ़ोटोज़ में इसे यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर पहली 8 फ़ोटोज़ में ये डायनामिक का ट्रांजिशन लगाने वाली हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर ये ऑलरेडी ऑरेंज सिलेक्टेड है और ये डायनामिक चूज़ हो चुका है। अब 2 और 3 के बीच में भी हम जो है यही वाला अप्लाई कर देते हैं। ये सिलेक्ट हो गया 3 और 4 के बीच में। तो अब नंबर 7 तक मैंने ये डायनामिक इफ़ेक्ट लगा दिया और अब मैं बाकी की 7 फ़ोटोज़ पर या 8 फ़ोटोज़ पर ये ब्लाइंड वाला जो है ये लगा देती हूँ। ये इधर सिलेक्ट किया और ये ब्लाइंड पर सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये सारे ट्रांजिशंस जो हैं मैंने लगा लिए, पर आप ऊपर टिक पर क्लिक करना मत भूलिए, वरना आपके जो चेंजेस हैं वो सेव नहीं होंगे। चलिए ये ट्रांजिशंस हमारे सारे के सारे आ गए। अब आप किसी भी समय पर यहाँ पर क्लिक करके अपने वीडियो को, तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली, आप चाहें तो आप इस क्लिप को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये है क्लिप एडिट, इधर क्लिक किया, आप यहां पर किसी भी एक फ़ोटो को डुप्लीकेट कर सकते हैं या फिर आपके पास और भी यहां पर ऑप्शंस हैं, आप क्लिप की स्पीड जो है क्लिक करके और डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप ये देखिए यहां पर सब के सब 3 सेकंड्स के लिए हैं, मोर पर क्लिक किया, आप चाहें तो आप इसका ऑर्डर जो है रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि जिस क्रम में जिस ऑर्डर में आपने लगाया है आप उसे उल्टा कर सकते हैं, या फिर पैन एंड जूम। ये पैन एंड जूम जो है उसकी मदद से फ़ोटो जो है जूम भी होती है और थोड़ा सा ऐसे एनिमेशन का इफ़ेक्ट आता है, आप चाहें तो आप इस एनिमेशन के इफ़ेक्ट को ऑफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ़िलहाल ऑन ही रहने देने वाली हूँ। चलिए यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। तो अब ये हमारा वीडियो जो है ये लगभग तैयार है। यहाँ पर देखिए ये सारी फ़ोटोज़ आ गई, इनकी ड्यूरेशन सिलेक्ट हो गई, हमने यहाँ पर स्टिकर्स लगा लिए, हमने यहाँ पर एफएक्स भी लगा लिया और हमने ट्रांजिशंस भी लगा ली। अब यहाँ ऊपर हम क्रॉस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है ये है टेक्स्ट, यहाँ पर आए एकदम शुरू में जो है थोड़ा सा टेक्स्ट आता है, ये जो है आई एम हियर,
और माय वीडियो। अगर आप चाहें तो आप इसे भी एडिट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम पहले बंद कर लेते हैं और फिर जो है हम टेक्स्ट पर जाते हैं। ये जो आई एम हियर है ये एक्चुअली इस थीम का नाम है, इस वजह से ये आई एम हियर आ रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्लिक किया, अब आप इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये है माय वीडियो, और अब हम माय वीडियो के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं माय बाली मेमोरीज और ओके पर क्लिक कर दिया। तो अब ये आई एम हेयर के नीचे माय बाली मेमोरीज आ गया और अब हम यहाँ वापस जाते हैं। अक्सर ये जो सो यंग या आई एम हेयर है उसे हम एडिट नहीं कर पाते हैं। अगर आप इसे एडिट करना चाहें तो ये खुलता नहीं है, सिर्फ उसके नीचे वाला जो सेंटेंस है उसे ही आप एडिट कर पाते हैं। चलिए ओके पर क्लिक कर दिया, पर एक बार इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अगर हम गए तो देख लेते हैं कि कोई चीज़ कट तो नहीं रही। अच्छा ये लग रहा है, लेकिन ये अंत में जो है ये हमारा टेक्स्ट ये कट रहा है, क्योंकि ये जो ट्रिप टू बाली है ये इस टेक्स्ट को कवर कर रहा है। तो इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं कहीं स्क्रीन पर, अगर इधर लेकर आए तो ये कटेगा, तो इसलिए ये जो ट्रिप टू बाली है इसे मैं नीचे इधर सरका देती हूँ। वो कैसे करेंगे, ये हमें टेक्स्ट पर जाना पड़ेगा। तो पहले हम एडिट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ये आए टेक्स्ट पर, और यहाँ पर हमारा ये ऑरेंज जो टेक्स्ट था ये सिलेक्टेड ही है, हम इधर क्लिक कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, या इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं, इधर इसे रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसे पिंच करके स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। चलिए हम जो है इसे सीधा ही रहने देने वाले हैं, लेकिन मैं इसे यहाँ नीचे सरका देती हूँ, मैंने इसे यहाँ पर कर लिया, और अब यहाँ ऊपर टिक मार्क पर क्लिक कर दिया तो ये अब ठीक लग रहा है, और ऊपर टिक मार्क पर क्लिक कर देती हूँ तो ये वीडियो अब आ गया। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इस तरह से फटाफट से ये देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसे प्ले करके देख भी सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसे नहीं प्ले करने वाली, तो ये हमारा वीडियो तैयार है। लेकिन एक बात जाने से पहले आपको बता दूं, जाने से पहले एक बात बतानी ज़रूरी है, अगर आप इस वीडियो की ऐप का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको वाटरमार्क आएगा। वाटरमार्क मतलब क्या, देखिए अगर आपको याद हो तो यह है मेरा फेसबुक पेज, ये रहा वो वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था, इसे एक मिनट के लिए पॉज कर देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर नीचे मेड विद वीवा वीडियो आएगा, तो ये वाटरमार्क बाय डिफ़ॉल्ट इस ऐप की फ्री वर्जन में आता है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाटरमार्क ना आए तो आप इसकी प्रो वर्जन खरीद लीजिए, इसकी पेड वर्जन जो लगभग $5 की है। और दूसरी बात, हो सकता है कि इस ऐप का जो म्यूज़िक है वो कॉपीराइटेड हो और आप उसे यूट्यूब या फेसबुक में डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक के साथ अपलोड ना कर पाएँ। अब इसका क्या मतलब, जब मैंने यहाँ पर इस बनाए हुए वीडियो को अपलोड किया तो फेसबुक ने इस वीडियो को फ्लैग कर लिया, उसने समझ लिया कि ये ऑडियो कॉपीराइटेड है, और मुझे एक अलर्ट मिला और मेरा फेसबुक पर जो वीडियो अपलोड हुआ था वो हटा दिया गया। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आप YouTube में या Facebook में कॉपीराइटेड म्यूज़िक को अपलोड करते हैं तो आपका वीडियो वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो अगर आप सचमुच में ये ऐप यूज़ करके YouTube या Facebook में डालना चाहते हैं तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास। देखिए ऐसे में मैं आपको एक साइट के बारे में बता देती हूँ जिसका नाम है incomptech.com। ये incomptech.com जो है यहाँ पर बहुत सारा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक आपको मिल जाता है। ये केविन मैकलियॉर्ड नाम के एक बंदे ने शुरू करी है और यहाँ पर बहुत सारा रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है। अक्सर मैं अपने वीडियोस में ये वाला म्यूज़िक इस्तेमाल करती हूँ और मुझे आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर
बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स हैं, उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम अपने वीडियो में भी केविन मैकलियोड का एक म्यूजिक ट्रैक इस्तेमाल कर लेते हैं। ये रहा मेरा वीडियो, मैं यहाँ पर ये म्यूजिक में सबसे पहले तो यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक कर देती हूँ। और अब ये माय म्यूजिक खुल गया। मैं अपनी लाइब्रेरी में जाती हूँ और यहाँ पर ये केयर फ्री एक ट्रैक है जो केविन मैकलियोड का ट्रैक है, मैं उसे क्लिक कर लेती हूँ। पॉज किया और यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर देती हूँ, पॉज। तो ये जो ट्रैक है ये अब मेरे इस वीडियो के साथ अटैच हो गया है और अगर अब मैं इसे फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपलोड करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बस अब ये वीडियो तैयार है, आप चाहें तो आप इसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ ऊपर शेयर पर क्लिक किया, अब ये देखिए ये सारी की सारी सोशल ऐप्स आ गई। मैं इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर लेती हूँ, ये व्हाट्सएप पर क्लिक किया और यहाँ पर शेयर कर लिया और सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। तो ये वीडियो हमारे व्हाट्सएप पर पोस्ट हो गया है। आइए इस वीडियो को देख लेते हैं जो हमने अभी अभी अपनी पिक्चर्स से इस ऐप पर मुफ्त में बनाया है। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, कोई भी बस कुछ ही मिनट्स में एक इंटरैक्टिव एनिमेटेड वीडियो मुफ्त में बना सकता है। हमारे चैनल पर 300 से भी ज़्यादा वीडियो हैं। अगर आप कंप्यूटर से ये वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके, और अगर आप मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर हाँ तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशंस और जानकारी पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।